नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना वायरस संकट से और उसके कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने तथा प्रभावी ढंग से इसका मुकाबला करने के लिए समय समय पर सक्रिय रणनीतियाँ बनाई जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से COVID-19 के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों और जिला उपायुक्तों के साथ संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को COVID-19 के प्रबंधन की तैयारियां तेजी लाने तथा टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट तथा और कई अधिक तरह की जानकारियाँ जुटाने, उस पर केंद्रित करने तथा कंटेनमेंट जोन पर कड़ी निगरानी रखने पर जोर देने के साथ साथ जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कस्बों और गांवों में निगरानी पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जन जागरूकता समय की ज़रूरत है और इसके लिए पंचायतों, रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटियों तथा एसोसिएशन और स्वयंसेवकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता को 5 गुना बढ़ाया जाना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो कोविड केयर सेंटर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा अस्पताल में बेड की क्षमता, PPE किट, इन सभी को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके अलावा मरीज शरीर का प्रबंधन भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की भयावह स्थिति से निपटने के लिए MBBS, पैरामेडिक्स और नर्सिंग अंतिम वर्ष के छात्रों को भी प्रशिक्षित किया जाए। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि गंभीर और तीव्र श्वसन संक्रमण या फिर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों में निगरानी तथा सावधानी पूर्वक की जाए, ताकि प्रारंभिक चरण में ही किसी भी प्रकार की अगर संभावित संक्रमण का पता लग पाता है तो अच्छा है। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट।